हेलो दोस्तों, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ फिश कस्टर्ड की रेसिपी, जो कि बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार बना है। इसको बनाना भी बहुत आसान है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है फिश, लिया है 4 पीस, बड़े बड़े पीस लिया है। इसका पेट के साइड का लिया है, पेटी के साइड के मछली के। इसमें कांटा बहुत कम रहता है इस पोर्शन में मछली के, इसलिए मैंने इसको लिया है। अब इसको बॉयल करेंगे, थोड़ा बहुत पानी डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे और हल्का सा नमक डालेंगे। फिश को गला लेंगे, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, इतना गलाना है ताकि सॉफ्ट हो जाए मेरा फिश और आसानी से इससे काटा निकल जाए। इस तरह से उलट पलट करके और ढक करके इसको ढक देंगे और गला लेंगे इसको। जब मेरा फिश गल जाएगा इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। यह ठंडा हो चुका है, इसका जितना कांटा है हम निकाल लेंगे। इसका स्किन है जो, उसको निकाल के फेंक देंगे। उसका जो सॉफ्ट वाला भाग है उसको निकाल लेंगे, कांटा भी निकाल करके हटा देंगे। हल्के हाथों से इसको मैश करना है, बहुत ज़्यादा इसको मैश नहीं करना है। अब 2 छोटे छोटे आलू लिए हैं मैंने, इसको ग्रेट करके इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी काला नमक डालेंगे, आधा छोटी चम्मच काली मिर्च, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और ये लहसुन पेस्ट डालेंगे। एक प्याज काट करके बारीक बारीक रखे हैं, इसको भी डाल देंगे। हरी मिर्च है 2 कटा हुआ पतला बारीक, इसको भी डाल देंगे। और ये धनिया है, धनिया पत्ती, इसको भी ऐड कर लेंगे इसमें। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, मस्टर्ड ऑयल डाला है मैंने 1 छोटी चम्मच और लेमन जूस डालेंगे। अब सारे चीज़ों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका हम टिक्की बना लेंगे, टिक्की का शेप दे सकते हैं या ओवल अंडे के आकार के इसका शेप दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है किस तरह का शेप आपको अच्छा लग रहा है, उस तरह से इसका शेप बना लेंगे। ये टिक्की का है, एक शेप मैंने दे दिया है और इस तरह से लंबे ओवल के शेप भी आप दे सकते हैं। सारे फिश को इस तरह से हम कटलेट के शक्ल में बना लेंगे। ये ब्रेड क्रम लिया है मैंने और उधर कॉर्नफ्लावर मैंने घोल कर डाला है, घोल करके तैयार करके रखा है। ना गाढ़ा रहना चाहिए कॉर्नफ्लावर, ना बहुत पतला। अब इसमें ब्रेड क्रम डिप कर लेंगे, उसके बाद से फिर कॉर्नफ्लावर में इसको डालेंगे कटलेट को और इससे कवर कर देंगे। फिर ब्रेड क्रम्ब से सारे कटलेट को इस तरह से हम तैयार करेंगे। ये बनाना भी बहुत आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी और लाजवाब लगता है। इसको हम स्टार्टर के तौर पर खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। अगर आप मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा तो। इधर ऑयल गरम कर लिए है, रिफाइंड ऑयल। जब गरम हो गया है, मीडियम गरम हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे
इसको फ्राई करेंगे, गोल्डन फ्राई कर लेना है। तेल को बहुत स्लो नहीं करना है, तेल को थोड़ा ज़्यादा गर्म रखना है, मुझे ये मीडियम हाई पे रखना है। अगर हम इसको कम स्लो कर देंगे तो ये मेरा फटने लगेगा और अच्छा से फ्राई नहीं होगा ये कटलेट। सारे चीज़ तो समझिए पक गया है, इसमें बॉयल है इसलिए इसको बहुत पकाने की ज़रूरत भी नहीं है। इस तरह से गोल्डन फ्राई करके इसको निकाल लेंगे। सारे कटलेट को इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही लाजवाब सी कटलेट बन करके तैयार हुई है। इस तरह से आप भी ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा।